Well, gentlemen, welcome to the second phase of online teaching classes as directed by Higher Education Department, Punjab. Here, I am Shreev Zaid, Assistant Professor of English from Government Postgraduate College at Turk. Well, gentlemen, we were going through Chapter 16. It is full of the past memories as usual and we have studied the first three to four paragraphs. Let us start from page 38. During the general strike of 1926, Brookfield boys loaded motor vans with food foodstuffs. General strike with the Orosme students Navy अपनी कम्युनिटी को हेल्प आउट करने के लिए खूब काम किया When इट was ऑल ओवर चिप्स felt स्टर्ड इमोशनली स्ट्राइक ओवर हुई बहुत जज्बाती था एज had नॉट बीन सिंस द वार इवन वार में भी इतना जज्बाती न था something had happened, something whose ultimate सिग्निफिकेंस had yet टू बी reckoned। कोई बहुत बड़ा वाक्य जिसके आफ्टर शॉक्स फॉल आउट्स अभी आना है बट वन थिंग वॉज क्लियर इंग्लैंड है खतरे में था एंड वेन एट अ स्पीच डे फंक्शन दैट हीन विजटर लेडेस दैट दाइक हेट कास्ट द कंट्री उसी दिन एक अमेरिकन विजिटर ने कहा कि आप लोगों ने जो स्ट्राइक किया है तो इस पर आपका बहुत लॉस हुआ चिप्स आंसर यस बट एडवर्टीजमेंट ऑलवेज इज कॉस्टली कहता है जी एडवर्टीजमेंट पे खर्चा तो होता है तो उसने सरप्राइजिंगली पूछा एडवर्टीजमेंट मीन डज़ इट मीन बाय द वे वो कहता है, वेल वज इट एडवर्टीजमेंट अ वेरी फाइन एडवर्टीजमेंट क्यों आपने हमारी स्ट्राइक को भी देखा हमारी कॉम को भी नोट किया अब सुनिए फर्क क्या है एडवर्टीजमेंट टू अ होल वीक ऑफ इट एंड नट अ लाइफ लॉस्ट नट शॉट फायर्ड, पूरा हफ्ता स्ट्राइक रही ना कोई बंदा मरा ना गोली फायर हुई योर कंट्री वुड हैव मोर ब्लड इन रेडिंग अ सिंगल सैलून। आपका मुल्क होता तो खून बहा देता हम इतने महजम हैं पूरा हफ्ता स्ट्राइक की एक गोली भी फायर नहीं इसको सुनकर बाकी लोग भी खुश हुई लाफ्टर लाफ्टर वेयर एवर इवेंट एंड वट एवरी सैड देर वॉज लाफ्टर लोग उसको अप्रिशिएट करते ही रेपोटेशन ऑफ बींग ग्रेट जैस्टर और उसकी रेपूटेशन हो गई थी कि सर आएंगे तो हम उनसे कोई नई बात सुनेंगे नया लतीफा होगा एंड जस्ट वर एक्सपेक्टेड ऑफ हिम जहाँ वो जाता था पीपल वर रेडी टू लिसन टू हिज जोक्स वेन एवर ही रोज टू स्पीक एट अ मीटिंग आर इवन वेन ही टाक अक्रॉस द टेबल कभी वो खड़े हुए ख़िताब करने टेबल पे बात शुरू ही की पीपल प्रिपेयर देयर माइंड्स एंड फेसेस फॉर द जॉक लोग पहले ही हंस दिया करते थे लोग पहले ही रेडी होते थे दे लिस इन अ मूड टू बी अम्यूज एंड इट वॉज ईजी टू सेटिस्फाई दैम वो जॉकिंग मैनर में ही सुनते थे दे सम टाइम बिफोर ही केम टू द पॉइंट कई दफा तो बात करने से पहले भी हंस दिया करते old was in fine कहते थे जी सर फॉर्म में है They would say अजीब बात है इसको हर दफा लतीफे ही सोचते हैं फॉर ओल्ड बॉयज डिनर इन लंडन उस साल वो न जा सके ही वॉज अफ्रेड ऑफ चिल्स उन्हें डर था ठंड न लग जाए एंड लेट नाइट्स बिगन टू टायर हिम टू मच और रात का पिछला पैर उनके लिए काफ़ी तकलीफदेह होता था ही केम अक्रॉस टू द स्कूल हाव एवर ऑन फाइन डेज जिस दिन धूप निकलती वो आया करते एंड स्टिल केप्ट वाइड एंड कॉन्टीन हॉस्पिटेलिटी इन हज रूम अलबत् उसके कमरे में कोई जाता खूब मेहमान नवाजी फरमाते फैकल्टीज वर ऑल अनएम्पेयर तमाम सलाहियतें मुकम्मल एंड ही हैड नो पर्सनल वरीज ऑफ एनी काइंड कोई परेशानी तो थी नहीं हिज इनकम वाज मोर दैन ही नीडेड टू स्पेंड और इनकम खासी थी हिज हिस् कैपिटल पैसे बचा के रखे थे इन्वेस्टेड इन गिल एल स्टॉक कुछ स्टॉक एक्सचेंज में लगाए थे डिड नॉट सफ़र व्हेन द स्लॉन्ग सेंट इन स्टॉक एक्सचेंज पर जवाल आया फिर भी उसे कोई परेशानी ना हुई ही ऑफ़ हिज मनी अवे खास पैसे तकसीम करता था टू पीपल हु कार्ड ऑन हिम विद हार्ड लक स्टोरी अगर कोई आके कहता जी मेरे साथ तो ये हो गया तो वेरियस स्कूल फंड्स में पैसे दिया करता था एंड आल्सो टू द ब्रू फील्ड मिशन ब्रू फील्ड मिशन में भी वो जरूर कंट्रीब्यूट करता था इन 1930 ही मेड हिज बिल 1930 में उसने अपनी वसीयत लिखवाई एक्सेप्ट फॉर लेगेसीज टू द मिशन एंड टू मिसेस विकेट कुछ चीज़ें उसने मिशन के लिए छोड़ी कुछ मिसेस विकेट को दी ही लेफ्ट ऑल ही हैड टू फाउंड एन ओपन एंट्रेंस स्कॉलरशिप टू द स्कूल बाकी उसने कहा कि मेरी इस रकम से स्कॉलरशिप दिया जाए 1931 पास्ट 1932 पास्ट अब कुछ ऐसी यादें हैं जो हैप हैजर्ड है दे हैव नो लिंक बट दे आर नाउ स्टक टू हिज मेमोरीज वट डू यू थिंक ऑफ हु सर स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर आपका क्या ख्याल है डू यू थिंक वी शिल एवर गो बैक टू गोल्ड सर हमारा इंग्लैंड का कोई सुनहरी दौर आएगा हाउ डू यू फील अबाउट थिंग्स इन जनरल सर हालात कैसे हैं सी एनी ब्रेक इन द क्लाउड्स ये मुश्किल कभी खत्म ही होगी When the tide is going to turn, chips old boy, इस किस्म के question करते थे। सर हालात कब turn होंगे? You ought to know with all your experience of things, सर आप बड़े experienced हैं। They all asked him questions। सवाल क्या करते? As if he were some kind of prophet or encyclopedia combined। जैसे सारा नॉलेज इसके अंदर है या आने वाले दिनों की ये प्रोफेसी कर सकता है मोर इवन दैट फॉर द लाइक देर आंसर डैश डब एज अ जोक ही वुड से तो और नहीं तो कम से कम नया लतीफ़ा तो सुन लेंगे मसलन वो इस किस्म के जवाब दिया करता वेल हंडरसन व्हेन आई वाज अ मच यंगर मैन देर यूज टू बी साम मेरी जवानी की बात है लोग आके कहते थे कि हु प्रामिस पीपल नाइन पेंस फॉर फोर पेंस कि आप मुझे फोर पेंस दें मैं आपको इन रिटर्न नाइन पेंस दूंगा आई डोंट नो दैट एनी बॉडी एवर गॉट इट आज तक किसी को मिले तो नहीं है बट आवर प्रेजेंट रूलर सीम टू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम आजकल के हुक्मरान ये वादे कर रहे हैं कि आप हाउ टू गिव इट शायद वो दे सकते हो फोर पेंस फॉर नाइन पेंस यानी इम्पॉसिबल है झूठे वादे हुक्मरान करते हैं जो प्रैक्टिकली पूरे भी नहीं होते लोग जिस सुन के हंस दिया करते लाफ्टर सम टाइम वन ही वोलिंग अबाउट द स्कूल स्मॉल बॉयज़ ऑफ चीकीर काइंड वुड आस्क हिम क्वेश्चन तो कुछ स्टूडेंट्स ज़रा नाटी भी होते हैं कुछ इल मैनर्ड भी बदतमीज़ भी होते हैं तो वो उससे सिर्फ नया लतीफ़ा सुनने की खातिर हामा हा में क्वेश्चन करते मीयरली फॉर द फन ऑफ गेटिंग चिप्स लेटेस्ट टू रिटेल देखते हैं सर क्या जवाब देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये सवाल होता प्लीज सर वट अबाउट द फाइव ईयर प्लान सर आपका क्या ख्याल है जो हुकूमत ने फाइव ईयर प्लान प्रोग्रेस के लिए अनाउंस किया है सर डू यू थिंक जर्मनी वॉन्ट्स टू फाइट एनदर वॉर क्या ख्याल है सर जर्मनी वालों को एक बार फिर ना सबक सिखाया जाए या फिर ये क्वेश्चन होते सर हैव यू बीन टू न्यू सिनेमा सर आप गए हैं सिनेमा पे आई वेंट विद माय पीपल द अदर डे हम तो गए थे क्वाइट अ ग्रैंड अफेयर फॉर अ स्मॉल प्लेस लाइक ब्रूक फील्ड दे हैव गॉट अ वलिट सर तो ये पूछता है कि वट ऑन अर्थ इज अ वर्लिटी सर और भाई ये क्या होता है तो लड़के आगे से कहते इट्स एन ऑर्गन सर सिनेमा ऑर्गन सर सिनेमा में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना तो ये कहता है अच्छा इंस्ट्रूमेंट है डियर मी आई हैव सीन द नेम ऑफ द होर्डिंग्स मैंने भी देखा था होर्डिंग्स पे बट ऑलवेज इमेजन इट मस्ट बी सम काइंड ऑफ सॉसेज मैं समझा कोई खाने पीने की चीज होगी सो so, ये ही वो सुनना चाहते थे ये सुन के वो लाफ्टर एंड देर इज अ न्यू चिप्स जो यू फैलोज वो फिर बाकियों को जाके बताते कि हमने यूं कहा था सर ने ये जवाब दिया अ परफेक्टली लवली वन It was guessing to the old boy about the new Sanma and so on and so on. Thank you very much, Allah.